मेहनत से एक अच्छे मुद्दे पर, हमारे एक सोशल इशू पर ही हमने ये फिल्म बनाई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग, ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये हमारे समाज की कहानी है। सो इट्स अ फिल्म दैट इज़ अ स्मॉल फिल्म बट इट्स गॉट अ बिग मैसेज। तो मैं चाहूँगा कि लोग इससे ज़्यादातर देखें और इन्जॉय करें। जी आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही सर। जी जी यही सोच के, बिकॉज ये जब मेरे पास ये कहानी आई थी तो मैंने पहला ख्याल मेरे दिमाग में आया था कि ये फिल्म, ऐसी कहानी अभी तक बनी नहीं है, लोगों ने देखी नहीं, ना कोई किताब ऐसी लिखी गई है, ना ये सब्जेक्ट पे कोई फिल्म बनी है। तो मुझे लगा कि ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए और इम्पॉर्टेंट है ऑडियंस का इस इशू के प्रति जागरूक होना। तो इसलिए मुझे लगा कि ये कहानी कहना ज़रूरी है, भले ही वो किसी भी तरीके से हो, वो फिल्म के तरीके से हो या तो हाँ जी 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 मेरे ख्याल से कोरोना के वक्त के दौरान हमें इस बात का, जो इस फिल्म में हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, उस बात का एहसास और ज़्यादा हो गया, अपने कौन है, पराए कौन है, उस बात की परख हो गई। और मेरे ख्याल से वो वक्त ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया। लेकिन हमारी फिल्म सिर्फ कोरोना के दौर के वक्त के बारे में नहीं है, हमारी फिल्म उस हर इंसान के बारे में है जिसे अपना अंतिम संस्कार करने का एक पूरा हक है। जी 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 इस फिल्म में हमने बहुत सारी ऐसी सच्ची घटनाओं से, सच्चे लोगों से जो ऐसा काम करते हैं, जो हेल्प करते हैं, जो सोशल वर्क करते हैं, उनसे इंस्पायर होके और उनको ही ये फिल्म हम डेडिकेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लोग जो ये काम करते हैं, ये कोई फ्रंट लाइन वर्कर या हमारे देश के सोल्जर से कम नहीं है, जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं या जिस तरह बाकी फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं हमारे देश के। तो मुझे लगता है इन्हें उतना क्रेडिट और इतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर नौजवान को, हर युवा पीढ़ी जो अपने माता पिता से दूर रहते हैं, जो वक्त नहीं निकाल पाते उनसे मिलने का, मुझे लगता है जब ये फिल्म देख के निकलेंगे तो एक सोच के साथ रहेंगे। और अगर आप अपने माता पिता को ये फिल्म दिखाने ज़रूर ले जाएंगे और आप उन्हें, उनकी वैल्यू आपको और ज़्यादा हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आप लोग इन्जॉय करिएगा फिल्म। थैंक यू। नमस्कार, पहले तो मेरा नाम पुरुष दिबू है, सब लोग मुझे डॉक्टर रुस्तम पावरी से पहचानते हैं, बट माय नेम इज़ पुरुष देबू, आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर एंड आई एम वेरी लकी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म। लावास्ते एक यूनिक फिल्म है, आउट ऑफ बॉक्स फिल्म है। हम चाहते हैं मीडिया के थ्रू से पूरी जनता को, पूरे ऑडियंस को, जितने भी अलग अलग क्लास है हमारे जो ऑडियंस में, सभी को ये फिल्म पसंद आएगी। इट्स अ सोशल मैसेज ओरिएंटेड फिल्म बट थ्रू एंटरटेनमेंट, मतलब जो भी मैसेज है थ्रू एंटरटेनमेंट है। आई एम परफॉर्मिंग अ कैरेक्टर ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट इन दिस फिल्म। मेरे सीन्स सभी कास्ट के साथ है, मनोज जोशी जी, ओमकार जी, सबके साथ है। एंड उम्मीद करते हैं कि बॉक्स ऑफिस पे कामयाब हो, क्योंकि ऐसी अच्छी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। इतनी मेहनत करके एक फिल्म हमने ये बनाई है, बेस्ड ऑन द रियल इवेंट्स, जो एक हकीकत है, और वो हकीकत हम एंटरटेनमेंट के माध्यम से आपको एक सोशल मैसेज दे रहे हैं थ्रू एंटरटेनमेंट। ला वास्ते ये फिल्म आपके दिल को छू जाएगी, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये फिल्म देखी है, मुझे बहुत पसंद आई है। आज इसका प्रीमियर है तो हम लोग बहुत खुश है कि इतनी
मेहनत के बाद हम लोग आज ये प्रीमियर देखेंगे और इंशाल्लाह कल हमारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे रिलीज़ हो रही है सारे थिएटर्स में। हम ऊपर वाले से और ऑडियंस से प्रार्थना करेंगे कि ये फिल्म को सबसे जितने हो सके इतने ज़्यादा ऑडियंस देखे और बॉक्स ऑफिस पे कामयाब बनाए, बस यही उम्मीद है और यही हमारा संदेश है। प्लीज़ वॉच लावास्ते इन सिनेमाज, प्लीज़ स्प्रेड वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी टू योर सोशल नेटवर्क्स, टू योर फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स इन योर सोशल ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप्स, दैट्स इट। सुरेश जी ने काम किया, मतलब शुरू में, मतलब अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे लगा ओके नॉर्मल है नॉर्मल, लेकिन सर ये जो कॉन्सेप्ट है लाश वाला वो मुझे बहुत अच्छा, मतलब सीरियसली ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार, मतलब कि कोई कहीं मर जाता है उनके घर वालों को पता नहीं लगता आदमी कहाँ है हमारा, वो मुझे बहुत टचिंग। ये जीत है हमारी सीरियसली, मतलब ये हकीकत में आपकी जीत है, मुझे ये चीज मैं इसीलिए सीरियसली थैंक यू थैंक यू भाई। शुरू में सीरियसली मुझे शुरू में लगा ओके जैसे नॉर्मल फिल्में होती है चल रहा है, लेकिन भाई वो ट्रेलर कैची है, अब मुझे देखना कि अंदर जाके क्या कर रही है। मैंने पूरी फिल्म नहीं देखी लेकिन ट्रेलर मुझे खींच लाया, तो ट्रेलर वाकई बहुत देखो ट्रेलर में मज़ा आया आपको अंदर भी मज़ा आएगा, बस तो मैं इसी उम्मीद से आया हूँ। सर ये तारीफ हो रही है तो इससे मेरा मोटिवेशन कहीं ना कहीं बहुत बढ़ रहा है, और क्योंकि जब हमने फिल्म बनाई थी तो बहुत ही छोटा एक कॉन्सेप्ट था, बजट लेवल पे हमने छोटी फिल्म थी, और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं आदित्य वर्मा, इनका सपना था बहुत पुराना, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ओरिजिनली इन्हीं का है, और 2014 से इनके पास ये रखा रहा, और इत्तेफाक से हमारी 3 से 4 साल पहले मुलाकात हुई और इन्होंने सुनाया मुझे। जब सुनाया तब कोविड के टाइम पर ऐसा लग रहा था कि बात बहुत सही है, क्योंकि इससे पहले लोगों के ना दिल में बात आई नहीं थी निकल के, लोगों ने देखा नहीं था तो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था। उसके बाद इनकी हिम्मत बढ़ी और फिर बहुत सारे चीज़ें होती हैं प्रोसेस में आए और हमने उसको डेवलप किया, और उसके बाद अब आप देख रहे हैं फिल्म आपके सामने, लोगों को बहुत पसंद आ रही है बाय द वे टेलर जो है, तो ये मोटिवेशन मिल रहा है कहीं ना कहीं, एंड आई होप कि फिल्म देख के लोगों को और भी मज़ा आएगा। 2014 से ये मैंने वैसे सोच रखा था, और 2014 के बाद ये 2023 में आज ये फिल्म आप सबके सामने 26 मई को प्रदर्शित हो रही है कल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए मीडिया जो माध्यम होता है मीडिया का वो बहुत स्ट्रांग होता है जन जन तक जाने का, और हमारी फिल्म एक छोटे बजट की फिल्म है और विषय इतना संजीदा है इतना अहम है कि ये मुद्दा जन जन तक जाना ज़रूरी है। तो मैं बस यही एक निवेदन करूँगा आपसे कि ये जो विषय है और ये फिल्म है आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचे। देखिए आजकल का जो दौर है अब जो जनता है वो कुछ डिफरेंट देखना चाहती है, और कंटेंट बेस्ड ही फिल्म चल रही है, और कंटेंट बेस्ड अगर आपने ऐसा कंटेंट दिया है जो जनता से जुड़ा हुआ है और वो चाहती कि आना चाहिए समाज के सामने, तो हमारा कंटेंट उतना ही स्ट्रॉन्ग है जो जनता चाहती है, बस ये पहुंच जाए सही तरीके से। सबसे आप मीडियम है सब और माध्यम आप हैं, आपके माध्यम से आप में वो शक्ति है वो ताकत है कि आप उस विषय को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। बड़े भी हुए देखिए ये विषय जो था 2014 में मेरे पास था, मैंने खुद स्टोरी मेरी है ये, तो उसमें मैं एज ए मेडिकल फील्ड से जुड़ा हूँ, मैं चिकित्सक हूँ डॉक्टर हूँ मैं, तो मेरे पास इस तरीके के रोज़ सुबह शाम मेरा इसी तरीके लोगों से मिलना जुलना रहता था, और वो जो आते थे जैसे उनके बच्चे बाहर रह रहे हैं और पिता माँ बाप यहाँ रह रहे हैं अपने एक छोटे से शहर में, अब वो बीमार हैं तो मुझे कॉल कर रहे हैं या हमारे स्टाफ को कॉल कर रहे हैं, तो वो आते थे तो अपनी व्यथा वो अपने पड़ोसी को नहीं बता सकते थे, वो हमें बताते थे, वो कहते थे मैंने इतना पढ़ा लिखा दिया इन बच्चों को, फ़ोन करते हैं बिज़ी है आता नहीं है, होली दीपावली भी नहीं आता है, पहले आ जाता था वो भी नहीं आता है जो त्यौहार होते हैं आपके, तो उनको मैं सुनता रहा, मैं देखता था 20 से 30% हर रोज़ मेरे पास अगर 100 पेशेंट आते थे तो उसमें से 5-6 लोग इसी तरीके के होते थे, मैं रात में खुद एम्बुलेंस लेके कई बार जाता था, 1-2 डेथ हो गई तो मैं खुद उनको लेके मैं उनको सब चीज़ें मैंने सब कुछ कराया, तो मुझे लगा कि यार ये विषय छुपा हुआ विषय है और ये क्यों नहीं आ रहा समाज के बाद। उसके बाद कोविड आ गया, क्योंकि उस समय शायद लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते इस सब्जेक्ट को,
कोविड के बाद आप सब ने हकीकत देख ली, कैसे बच्चे माँ बाप या जिस तरीके के वो दूर हो गए अंतिम संस्कार खुद करते हैं, वो सब चीज़ों के बाद ये फिल्म हमने डिसाइड किया कि इस फिल्म को आप समाज के सामने आना चाहिए और आज ये फिल्म आप सबके सामने आ चुकी है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सबसे ज़्यादा रिलीज है पिक्चर तो आपने बुक माई शो सब जगह आपको पता लग ही जाए, पिक्चर का रिस्पॉन्स अच्छा है, बाकी तो कल ऑडियंस ही बताएगी क्या होता है फ्राइडे को, और उम्मीद तो है कि पिक्चर अच्छे से जाएगी, बाकी तो सारा ऑडियंस के आगे। इसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट न्यू है और ये बर्निंग टॉपिक है और इसमें मेरा रोल बहुत अच्छा है। मैं खड़ूस भी हूँ, एट द सेम टाइम बहुत प्यार वाली भी हूँ। मैं अपनी बहू की तरफदारी भी करती हूँ, अपनी पोतियों को जान से ज़्यादा प्यारी करती हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मेरा रोल इसमें बहुत अच्छा है। थैंक यू। टॉपिकल फिल्म है इसमें, मतलब जैसे बच्चे फॉरेन कंट्री में रहते हैं, उनके माँ बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं होता है, तो ये बड़ी ज्वलंत समस्या है, इसके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे कैरेक्टर थे इसमें, सब ने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है, ऐसे ज्वलंत टॉपिक होने चाहिए, हॉट प्रोवोकिंग। थैंक यू। बस यही सब्जेक्ट देखकर ही मैंने इसको साइन किया था, बहुत अच्छा लगा था और तभी हम लोग कोरोना से गुजरे थे तो ये एकदम दिल को छू लेने वाली बात थी, तो मैंने हाँ कर दी। और फिर जिस तरह से और सारे एक्टर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग हुई है सबकी, हमने देखी है तो मज़ा आ गया करते हुए। जी नहीं, जी नहीं। मैं चाहूँगी कि पूरा हिंदुस्तान इस फिल्म को देखे, सराहे, क्योंकि बहुत दिल को छू लेने वाली कहानी है, अलग सब्जेक्ट है, सबने बहुत अच्छा काम किया है, मेहनत की है, तो हो जाना चाहिए। एक मदर हूँ जो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है, लेकिन ये जो हीरो है अपना वो मेरे पास आता है, कुछ दिन रहता है, फिर वो भी चला जाता है, और मेरा वही है कि लोग कहते तो है आ जाऊंगा लेकिन आते नहीं है। देखिए मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर बहुत अच्छा पिक्चर का, और जो ट्रेलर देख के जो एक्साइटमेंट थी वो आज मुझे यहाँ पिच कर गया। मैं ये टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा और ऑल दी बेस्ट भी कहूँगा, क्योंकि टीम के प्रोड्यूसर सब दोस्त थे यहाँ पर, और मुझे ये उम्मीद है फिल्म बहुत अच्छी बनेगी, और मैं ऑडियंस को भी ये चाहूँगा कि इस टाइप की फिल्म देखिए और इस फिल्म को आगे और बढ़ोतरी दीजिए। मैंने भी ट्रेलर देखा है और बहुत तारीफ है फिल्म की, कुछ नया करने की कोशिश की है प्रोड्यूसर ने, तो हम लोग तो चाहेंगे कि ऐसी फिल्में चलेंगी तो हम लोग भी कुछ ऐसा सिनेमा बनाएंगे फिर।